नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। आज 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में हो रही है। ये मीटिंग विपक्षी दलों के लगातार 3-4 प्रयासों के बाद हो रही है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का मंच बैठक के लिए सज चुका है। गठबंधन के नेताओं का जुटान भी शुरू हो गया है, लेकिन ये मीटिंग कितनी सफल होगी अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि गठबंधन की पिछली 3 बैठकों की तरह 19 दिसंबर की बैठक भी फ्लॉप होगी। उसमें चाय पार्टी और फोटो सेशन के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके साथ ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इंडिया अलायंस मीटिंग के फ्लॉप होने की 5 वजहें भी गिना डाली। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार अक्सर बीमार रहते हैं। उन्होंने विधानसभा में महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां किए। इसके बाद उनकी इंडी गठबंधन का नेता चुने जाने की रही सही संभावना भी समाप्त हो गई है। इसके अलावा आपके नेता केजरीवाल विपश्यना ध्यान के लिए 10 दिन की छुट्टी पर हैं। शरद पवार की पार्टी टूट गई है और ममता दीदी का कोई भरोसा नहीं। नीतीश कुमार का तो समय चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए, वह दावेदारी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात, जो संयोजक बनने से वो खुश थे कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, वो दावेदारी खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल 10 दिन के लिए अज्ञातवास में जा रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि पंजाब में सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये बैठक केवल फोटो खिंचाने के लिए बैठक हो रही है, चाय पानी के लिए बैठक हो रही है। इस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। इसके पहले उन्होंने 2 दर्जन सब कमेटी बनाई थी, एक भी उप समिति की आज तक बैठक नहीं हुई। रैली का डेट तय हुआ जिसको कमलनाथ ने स्थगित कर दिया, उसके बाद रैली का डेट तय नहीं हुआ। और क्या इतनी बड़ी बैठक में सीट शेयरिंग तय होगी? अरे मंशा जाहिर कर सकते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो इन 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद पूरा ये जो इंडिया गठबंधन है इतना डिमोरलाइज्ड है कि वो अब खड़े होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। इस मीटिंग के बारे में जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से पूछा गया तो वो पत्रकारों पर ही भड़क गए। लालू यादव से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो फिर से आएंगे। इस पर लालू यादव नाराज होते हुए बोले, क्या है नरेंद्र मोदी? इंडिया गठबंधन आए हैं सभी जो आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है। और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे, और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंके। कल क्या लालू यादव के साथ उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं। लालू की पार्टी आरजेडी लंबे समय से बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। ऐसे में जब इंडी गठबंधन की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां अपने नेताओं को आगे करने की कोशिश करेंगी, उस वक्त माना जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस के साथ खड़ी हो सकती है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि 3 राज्यों में चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस पर यह दबाव बनाएंगी कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस से बाहर के किसी नेता को दिया जाए। फिलहाल बैठक में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। देश की निगाहें इस बात पर हैं कि गठबंधन अपना नेता किसे चुनता है, और इस पर भी कि वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस गठबंधन से दूरी बना चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी दिल्ली के सीएम केजरीवाल, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कुछ और भी नेताओं के शामिल न होने की खबर आ रही है, ये गठबंधन के लिए सही संकेत नहीं है। भाजपा तो सीधा दावा कर रही है कि चुनाव से पहले गठबंधन बिखर जाएगा और 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार रिपीट होगा। भाजपा और विपक्ष के इन दावों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।